ओम शांति। परमात्मा सदैव पावन है और वो हमें पतित से पावन बना रहा है। यदि हमें किसी दुनिया वाले को बताना है कि बाबा कौन, बाप कौन, तो उसे हम कैसे परिचय दें, ये बात आज मुरली में बहुत अच्छे से बाप दादा ने हमें बताया है। साकार मुरलियों की विशेषता ये है कि वो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों विषयों पर केंद्रित होकर चलती रहती हैं समान रूप से। तो सर्व प्राप्तियां लेने वाले मीठे मीठे इस कील दे बच्चों के लिए, हम ब्राह्मणों के लिए, परमात्मा शिव बाबा ने कहा कि दुनिया वालों को, भक्ति वालों को यदि समझाना है तो ये बोलो पहले कि हमारे दो बाप हैं, एक लौकिक और एक पारलौकिक, और पारलौकिक के विषय में भी यह न बताएं कि वो बिंदी है, क्योंकि वो चकित हो जाएंगे। उन्होंने ईश्वर को बहुत बड़े बड़े रूपों में, आकार में, प्रकार में देखा है, जैसे हम देखते हैं। तो साकार से निराकार की फीलिंग करने की आदत उनमें है। जब तक वो साकार रूप को, साकार मूर्ति को, साकार स्टैचू को नहीं देखेंगे, तब तक उनमें निराकार की, सूक्ष्म बात की, भावना की फीलिंग नहीं आएगी। तो उसकी महसूसता के लिए उन्हें मूल परिचय नहीं देना है। हमें मक्खन डायरेक्ट नहीं खिलाना है। हम सब मक्खन खा रहे हैं, भक्ति वाले छाछ पर टिके हुए हैं। तो छाछ के साथ साथ मक्खन को स्वाद की अनुभूति यदि करा दी जाए छाछ खाने वाले को, तो उसे पहले कड़वी भी लग सकती है, बहुत मीठी भी लग सकती है, बहुत तीखी भी लग सकती है। इसलिए धीरे धीरे आराम से बताना है। डायरेक्ट परिचय देने का तरीका यही है कि आप एक दो को सत्कार दीजिए, उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को, उनके संस्कारों को भी मान दीजिए, उनकी भी बड़ाई कीजिए, उन्हें भी आप पुरस्कृत कीजिए मन से, दिल से, भावनाओं से। उन्हें श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको श्रेष्ठ उन्हें कहना पड़ेगा। सपोज कोई वैश्या है, उसे आप वैश्या कहेंगे तो उसे बुरा लगेगा, लेकिन जब आप उसे ये कहेंगे कि आप एक दिव्य आत्मा हो, ये शरीर तो आपका पुराना है और आप सत्युग में आने वाली आत्मा है, आप दिव्य आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, तो उसके अंदर शुभ वाइब्रेशन, श्रेष्ठ वाइब्रेशन का आवरण होगा और वो खुद आत्मा सोचने लगेगी कि मुझे तो इतना सम्मान, इतना प्यार तो किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं दिया। बाबा हमें अपने दिल की डिबिया में बिठाए हैं, तो क्या हम पहले वैश्यालय में नहीं थे? क्या हमारी जो भावना थी वो पतित नहीं थी, काम युक्त नहीं थी? थी ना। लेकिन परमात्मा ने हमें कितने युक्ति युक्त तरीके से श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरित किया और सत्युग में आज हम प्रबल दावेदार हैं आने के लिए। तो इस पर हम विचार करेंगे और साकार मुरलियों पर विशेष ध्यान देते हुए हर दिन की मुरली को नियमित रूप से पढ़ते रहें, परमात्मा याद में, परमात्मा अनुभूति में जीवन को, चर्या को, दिनचर्या को, कर्मों को करते रहें, यही मंगल कामना है। ओम शांति।